देख रहे हो पापा की परी यार कहीं भी घुस जाती है। बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले यार कितना हॉर्न देते हैं ना कि मतलब दिमाग खराब जाता है। और ये चेक करो गाइस, अपना मोटो ब्लॉगर अपनी एमटी लेके आया है। तो फिलहाल देख सकते हो बिना देखे सुने मतलब लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं। ये देखो फिलहाल ये देखो ये कुछ इस तरह का आपको Hyundai का शोरूम है। सो गाइस फिलहाल हम लोग इधर आए थे घूमने को और फिलहाल ये देखो रामगढ़ में हम लोग रामगढ़ कॉलेज के आगे में और यहाँ फिलहाल देख लो यहाँ बजाज का शोरूम है एंड इधर से अपना KTM का शोरूम है। और फिलहाल से देख पा रहे हो ये देख पा रहे होगे और फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो गाइस फिलहाल हम लोग अभी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। थोड़ा अंधेरा हो गया है बट आई होप फुटेजेस अच्छी आए। सो देख सकते हो भाई रास्ते में क्यूट गर्ल्स हैं बहुत सारी, क्या ही बोला जाए। अनएक्सपेक्टेडली हमारा वीडियो क्रैश हो गया तो हम लोग उधर का वीडियो कुछ भी नहीं ले पाए, मतलब लिए थे बट वो वीडियो हमारा जो है वो ले नहीं हो रहा, वही करप्ट हो गया। तो हम लोग अभी रिटर्न के टाइम पे वापस से वीडियो शूट कर रहे हैं और काफ़ी अंधेरा हो गया है। बाकी आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करो कुछ टाइम, जल्दी एक्शन कैमरा का प्लानिंग हो रहा है तो आप लोग फिर अच्छी अच्छी फुटेजेस मिलेंगी देखने को। और हम लोग थोड़ा सा फ्लाई बाय देते बिकॉज पीछे से हमें हॉर्न मिल रही है बहुत ज़्यादा, कहीं ठोक ना दे गुस्से में आकर खींचा। और फिलहाल से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये देख रहे हो बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले यार कितना हॉर्न देते ना कि मतलब दिमाग ख़राब जाता है यार। जगह होगी तो साइड देंगे ही, ऑब्वियसली बात है जब जगह होगी तो हम लोग साइड देंगे ही देंगे। ऐसा तो नहीं है यार बीच रोड में चल रहा है यार हॉर्न बार बार, मतलब कुछ भी इम्पोर्टेंट टॉपिक में बात करते रहो और यार कोई हॉर्न देता है ना बहुत दिमाग ख़राब होता है। तो फिलहाल देख सकते हो बिना देखे सुने मतलब लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं। ये देखो यार ये क्यूट गर्ल भी देख कर के रोड क्रॉस करना चाहिए क्यूट गर्ल को। शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। ये देखो आज हम लोग निकल चुके हैं एक ऑसम से राइड पे एंड आप सभी का मेरे YouTube फैमिली का बहुत बहुत दिल से वेलकम है मेरे इस न्यू ब्लॉग में। ये देख सकते हो क्या ही मस्त सीन्स है एंड हमारे पीछे कोई नहीं है, सब आगे आ गया बिकॉज पीछे कोई नहीं है तो कहाँ तो कोई रहेगा। एक भाई भी आने वाला है तो देखते हैं क्या सीन होता है। वो मिलने के लिए आ रहा था तो उसे मिलने को जाएंगे, फिलहाल अभी घर नहीं जाएंगे हम लोग, इधर से डायरेक्ट उसी से मिलने चल जाएंगे एंड मिलकर देखते हैं क्या सीन होता है, फिर हम लोग उसी हिसाब से घर जाएंगे। फिर वो भी मोटो व्लॉग मतलब स्टार्ट किया सो मेक श्योर आप लोग उसका भी चैनल चेकआउट कर सकते हो, भाई MT50 से स्टार्ट कर रहा व्लॉग। और फिलहाल मेरी जो है वो हीरो की मेस्ट्रो 110 है, मतलब 110cc की मेरी है गाड़ी, हीरो की है मेस्ट्रो। मॉडल की अगर बात करें तो 2012 मॉडल है, बहुत ज़्यादा खटारा है यार, शॉकर वगैरह सब चीज़ ख़त्म है इसमें। तो अभी हम लोग यहाँ थोड़ा सा कट वट मारते हैं एंड आगे जाते हैं खींचते। देख रहे हो पापे के घर यार कहीं भी घुस जाते हैं। साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। फिलहाल हम लोग अपना आगे फोकस करना है बिकॉज यार पीछे एक बार हम ठुक चुके हैं, मतलब ठुके हल्का से ठुके। देख रहे हो अंकल जी क्या ही कार को निकाले हैं। फिलहाल अंकल को देखते फ्लाई बाय। फिलहाल हम लोग सुभाष चौक जो रामगढ़ का है उस एरिया में पहुँचने वाले, तो हम यहाँ बहुत संभल कर चलना है बिकॉज यहाँ पे ट्रैफिक भी रहती है बहुत ज़्यादा एंड चारों तरफ से गाड़ियाँ ही गाड़ी रहती है
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रैफिक वाले यहाँ पर रहते हैं बहुत ज़्यादा। अभी तक वैसा मतलब सीज वगैरह वाला सीन मेरा गाड़ी के साथ नहीं हुआ। ये देखो कितना अच्छा, मतलब ये एक हमें दीदी मिली थी, वो दीदी मतलब स्कूटी भी चला रही है, आराम से चला रही है, जितना आता है उस हिसाब से चला रही है, एंड हेलमेट भी उन्होंने वेयर किया, हेलमेट पहना हुआ है, तो ये चीज़ की बहुत ही खुशी है। आप लोग यार देखो, मेल हो या फीमेल, अंकल हो आंटी हो, कोई भी हो, हेलमेट सभी को पहनना चाहिए यार ड्राइविंग करते हुए, बिकॉज आप अपनी गलती से नहीं अगर दूसरी की गलती से गिरते हो एंड वैसे में आप लोग को चोट लग सकता है हेड वगैरह में, सो बहुत ही दुख होता है जब हमें दूसरे की गलती से चोट लगती है, और हेड बहुत ही सीरियस सा पार्ट होता है हमारे बॉडी का। फिलहाल तो देख सकते हो कि बच्चे मिल गए, और ये देख सकते हम लोग इधर की तरफ से कट मार रहे हैं। देख रहे हो गाइस, चेक करो गाइस, देख रहे हो टेम्पो वाला भी ऑन मार रहा, बोल रहा है चेक करो गाइस। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। फिलहाल हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्लो जाते हैं गाइस, बिकॉज यहाँ पे मामू लोग रहते हैं एंड अपने को कुछ सीन नहीं चाहिए, बिकॉज अपने पास यार पेट्रोल भराने के लिए पैसे नहीं है। तो भाई मामू के सामने से यार कट मार के निकले हम लोग। फिलहाल तो यार यहाँ पे होली से रिलेटेड शॉपिंग वगैरह की वजह से थोड़ा सा क्राउड है यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हो हम लोग कट मारते हुए इधर से आगे बढ़ रहे, और पीछे लड़कियों का रिएक्शन यार बहुत हैवी वाला है, मतलब दो क्यूट गर्ल्स थी। देखो यार कैसे भी हो, हमें किसी के बारे में कुछ भी गलत बोलने का हक नहीं है, जो भी है सब अपनी जगह पे क्यूट गर्ल है, ओके। सो किसी के बारे में भी वैसा कोई हेट कमेंट या किसी तरह का बैड कमेंट किसी लड़की को देखकर नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने आपका कुछ बिगाड़ा है या फिर कुछ गलत किया आपके साथ, तो वैसे में अगर आप कुछ बोल देते हो उसमें अलग सीन होता है, बट यार जो अनजान लड़की है यार उसके पीछे आप, मतलब कुछ लड़के मेरे ही फ्रेंड सर्कल में वैसे थे, अब नहीं है वैसे लड़के मेरे साथ, पहले थे यार, किसी भी लड़की मतलब किसी को पहली बार भी यार कोई ट्रेन से भी उतर रही है तो उसके बारे में भी गलत भला बुरा कमेंट पास करते हैं, मतलब क्या है, कैसी है, नहीं है, फेस, कपड़े, मेकअप, चलो मेकअप ठीक है, मेकअप में थोड़ा बहुत कमेंट कर दिया, बट यार फेस कपड़े ये सब के बारे में नहीं बोलना चाहिए हमें, एंड वो कैसे चल रही है कैसे नहीं चल रही यार ये उसका लाइफ है। तो जैसे वो लड़की है वैसे हमारी भी फैमिली है, बेटी बहन या फिर गर्लफ्रेंड वाइफ भतीजा भतीजी भगना भगनी कोई भी हो सकती है, तो किसी की लड़की के बारे में कमेंट पास नहीं करना चाहिए गलत। आप देखो अच्छी है, देखो बट एकदम मतलब कुछ लोग ऐसा करते हैं ना कि पहली बार किसी लड़की को देखा यार, किसी लड़की को देखकर मतलब ना इतना मतलब गौर से मत देखो, एकदम आँख फाड़ फाड़ के मत देखो कि यार मतलब वो सामने वाला जो है ना पर्सन, जो सामने वाली लड़की है या फिर कोई भी है मैरिड अनमैरिड कोई भी है, तो उसको अनकंफर्टेबल फील होने लगे, इतना भी ज़्यादा मत देखो किसी को यार, देखो ठीक है अच्छी है नहीं है अपनी जगह पे, अगर आप में है कैपेसिटी तो आप हाई एलो कर सकते हो, अगर कैपेसिटी नहीं है तो यार गंदा कमेंट पास करके या कुछ चिल्ला वाला के, ये सारी चीज़ें मेरी जो भी ऑडियंस है आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये सारी चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा हिट है गाइस, तो आप लोग भी मेक श्योर ऐसा मत करना। तो यार बाइक में यार ये वाइपर या झाड़ू है यार बहुत हैवी लगा देती है, बट कोई ना सब सही। सो भाई और गाइस काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया है, आई होप सो आप लोग को थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, जो भी उतने में एडजस्ट करना, ब्लॉग को एंजॉय करना, बाकी तुम्हारा भाई जब एक्शन कहीं पर ले लेगा। यार देखो अभी थोड़ा सा बजट टाइट चल रहा है यार, मिडिल क्लास फैमिली से मतलब मैं बिलोंग करता हूँ, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है यार कोई भी चीज़ के रिलेटेड, फ़िलहाल क्या ही बोला जाए। सो फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितनी जल्द हो सके हम लोग जुगाड़ करें, और देख रहे हो क्या ही चीख रही है अपनी गाड़ी, 110 सीसी के, तो क्या हुआ, मजाक मत उड़ाना इसका, कुछ कम है क्या, अपनी छोरियां भी छोरों से कम है क्या, नहीं ना, देखो ये भी चीख रही है, और देखो ये झाड़ वाली चच्ची, हम लोग आगे बढ़ते फ्लाई लगे थे इनको। और फिलहाल से आगे हमारे एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है यार, इलेक्ट्रिक स्कूटर से मतलब है ना अभी अच्छा मतलब स्पीड देने लगा है,
60 70 का, मतलब जहाँ तक मैंने अपने आँखों से देखा है, बाकी निकलने का तो बहुत सारे 300 cc के भी निकल जाएंगे, मतलब 200 किलोमीटर की स्पीड दे सकती है, बट जहाँ तक मैंने अभी अपने आँखों से देखा है यार 70 80 की स्पीड तक देखा है। ये इलेक्ट्रिक वाला क्या कर रहा है यार गाइस, साइड दो। छोटी बच्ची आ गए तो हम लोग यहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे, भाई के आगे में छोटी बच्ची रखी हुई है तो इसके लिए हम लोग कट वगैरह नहीं मारे। मैं मारने का मार के निकल चुका हूँ, बट हो सकता है यार मेरी वजह से डिसबैलेंस हो जाए एंड चोट लग जाए किसी तरह का, तो वो सही चीज़ नहीं है हिट करके भागना किसी को या फिर किसी को चोट पहुँचाना अपनी वजह से, जाने अनजाने जैसे भी पहुँचाओ यार सामने वाले को तो चोट लग जाती है ना। सो देख सकते हो अब हम लोग अब इधर से अरगड्डा एरिया साइड मतलब जा रहे हैं। ओ भाई देख रहे हैं इलेक्ट्रिक वाला भी कट मार रहा है यार, मतलब ना मैं अभी रामगढ़ झारखंड एरिया में हूँ एंड यहाँ पे कैमरा देखकर कोई भी हेट वैसा हेट रिएक्शन नहीं मिला है, अच्छी अच्छी क्यूट क्यूट रिएक्शन मिलते हैं हमें। फिलहाल से लिंक चेक करो गाइस, और यहाँ एक मंदिर है खूबसूरत सा, और फिलहाल हम लोग आगे जाकर रुकेंगे अपने भाई से मिलेंगे। सो भाई एंड अपना हेलमेट बार बार नीचे की ओर सरक जा रहा फिसल जा रहा, तो देख सकते हो कुछ इस टाइप की सीन्स है। क्राउड है भाई, धुआं धुआं गांजा फूक रहा इतना ज़्यादा यहाँ पर, देख रहे हो पूरा धुआं धुआं कर दिया भाई साहब माहौल। ये देखो यहाँ वहाँ की गाड़ी है यहाँ पे हमारे आगे में, कौन सी है मे बी एक्सिट है एग्जिट, देख रहे हो भाई चेक करो, तो ये चेक करो एग्जिट, और यहाँ पे हमारा स्टॉपेज है ना भाई एक आने वाला, तो भाई आ गया साइड से एम पी लगी हुई यहाँ पे। हेलो तो भाई फिलहाल आपको मिलाते हैं अपने भाई से, और ये चेक करो गाइस अपना मोटो ब्लॉगर अपनी एंटी लेके आया है, और यहाँ पे थोड़ा काम है तो हम लोग कर लेते हैं।